वेलकम। आइए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। यहां पर हम एक दो प्रॉब्लम्स और डिस्कशन करते हैं सो दैट कि ये टॉपिक ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाए आपको। यहां क्या कहता है, फॉर ए लीनियर डिमांड फंक्शन, यानी डिमांड फंक्शन गिवन नहीं है मुझे, मुझे बोला लीनियर डिमांड फंक्शन आपको कंसीडर करना है। आइए शुरुआत करते हैं उस लीनियर डिमांड फंक्शन से। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है जी, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में एक रिलेशनशिप मेरे पास होता है। तो हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू ए माइनस बीपी इज द लीनियर डिमांड फंक्शन। ठीक है, लीनियर क्यों, क्योंकि x की पावर और p की पावर दोनों 1 है जी। ग्राफ बनाएंगे, एक लाइन बनेगा जी मेरे पास, इसलिए इसको लीनियर डिमांड फंक्शन हम लोग बोल रहे हैं जी। यहां पर a एंड b आर द कॉन्स्टेंट्स, a एंड b आर द कॉन्स्टेंट्स, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, बल्कि ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। इज इट फाइन? तो ये मेरे पास डिमांड फंक्शन आ गया। चलिए लीनियर डिमांड फंक्शन मैंने सपोज कर लिया। अब आगे पढ़ता हूं जी क्या पूछता है। शो दैट यूजिंग कैलकुलस दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने बात करनी है जी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपको मालूम है फॉर्मूला, नेगेटिव पी ओवर एक्स डी एक्स ओवर डीपी। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, यानी प्राइस के इंक्रीज करने से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीज होती है। चलिए पहले एक्सप्रेशन तो निकालें। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक्सप्रेशन पहले मैं निकालता हूं इन टर्म्स ऑफ पी। चलिए जी, ये मेरे पास पी है, x का वैल्यू a माइनस बी पी है, और dx ओवर डी पी यहां से अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो dx ओवर डी पी का रिजल्ट देखें तो a का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और माइनस का b रह जाएगा, p का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। करेक्ट, तो ये कितना आ गया आपके पास, p इंटू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी पी। करेक्ट, दिस इज सॉरी p इंटू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी पी, ए माइनस बी पी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ p। p के टर्म में दिखाई दे रहा है जी आपको, करेक्ट। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ p मेरे पास आ गया, लेकिन उसने बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेस, यानी इसका इंक्रीज की बात कर रहा है जी। तो ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली बात हो गई जी। इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब इसका रेट ऑफ चेंज। अगर मैं प्राइस का चेंज करके देखूं और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या चेंज होता है, क्या पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू पी, तो पी के रिस्पेक्ट में इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डेरिवेटिव कर दीजिए आप। तो अब ऊपर आपके पास क्या चीज है जी, आपके पास ये ए इंटू बी है, दिस इज जस्ट ए मोमेंट, राइट। तो आपने अब इसका डिफरेंशिएशन करना है,
तो डिफरेंशिएशन में ये बी तो कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लीजिए। अब अंदर जो भी कुछ बचा पी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी पी, इसमें डेरिवेटिव का डिवाइड रूल लगा दीजिए, ए माइनस बी पी नीचे वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पी वन आ जाएगा, दूसरी बार माइनस पी इंटू ए माइनस बी पी का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस का बी मेरे पास आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा होल स्क्वायर ऑफ दिस फंक्शन ए माइनस बी पी स्क्वायर ऑफ दैट, करेक्ट। तो क्या आ गया आपके पास, दिस चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रेस्पेक्ट टू प्राइस, ये आपके पास आ गया बी आउटसाइड, और यहां अंदर बचा ए माइनस बी पी और बी पी प्लस बी पी। डिवाइडेड बाई ए माइनस बी पी होल स्क्वायर, दिस बी पी कैंसिल, तो आपके पास आ गया ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी पी होल स्क्वायर। अब आइए जी इस एक्सप्रेशन को, ये जो डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन मेरे पास आया इसे डिस्कस करते हैं, देखते हैं जी क्या आया मेरे पास। रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू पी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वो आ गया आपके पास ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी पी होल स्क्वायर। अब आइए जी इसको डिस्कस करते हैं कि जी यहां पर आप पी की वैल्यू को बढ़ाते चले जाइए, पी की वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि देखिए आपसे क्या पूछा था, वहां पर क्वेश्चन में पूछा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस के इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होती है, ये बताना है मुझे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने डेरिवेटिव इसका किया और मैंने ये पाया कि ये तो मेरे पास एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव क्वांटिटी है, नीचे वाली वैल्यू का होल स्क्वायर हो गया तो ये भी पॉजिटिव हो गई जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते चले जाते हैं, इट इज पॉजिटिव। तो आपने कहा सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इटा डी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्राइस, ठीक बात है। एक बात तो ये करनी थी, आइए देखते हैं दूसरा काम क्या करना था हमें। डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब एक्स। तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास अभी तक पी की टर्म में आया या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे पास पी की टर्म में आई, अब मुझे उसे एक्स की टर्म में निकालने की जरूरत पड़ेगी जी। एक्स की टर्म में मैं उसे निकालूंगा तब मेरे पास एक्स का रिलेशनशिप मिलेगा, आइए देखते हैं जी किस तरह से करेंगे उसे। तो इसके लिए हम पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक्सप्रेशन निकालते हैं एक्स के टर्म में, जो कि किसके इक्वल होता था हमारे पास माइनस पी ओवर एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी पी, ठीक है। अब पी की वैल्यू एक्स की टर्म में लिखिए जी। अब p को देखिए, अगर मैं x की टर्म में लिखने की कोशिश करूं तो p x की टर्म में कितना आएगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, वो मेरे पास आएगा x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, वो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई बी
ये तो मेरे पास पी का वैल्यू आ गया इनटू में एक्स, और साथ ही साथ अब मुझे निकालना है डीएक्स बाई डीपी। डीएक्स बाई डीपी अगर आप यहां से निकालेंगे डीपी बाई डीएक्स, तो डीपी बाई डीएक्स का वैल्यू, बल्कि वहां से निकाल सकते थे, पीछे निकाल सकते थे, डीएक्स बाई डीपी यहां से निकालते तो ये नेगेटिव बी आ जाता जी मेरे पास, इसका वैल्यू मेरे पास आ जाता नेगेटिव बी। दिस इज नेगेटिव बी, लेट मी चेक फर्स्ट, नाउ इट इज बी कैंसिल मेरे पास हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव ये बन गया, और नेगेटिव बी आ गया, एक मिनट और, आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक, ये पॉजिटिव एक्स माइनस ये हो जाएगा, ये माइनस एक्स, और यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, दिस इज ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करके देखें, डी बाई डी एक्स के, एक्स की टर्म में आपके पास, तो दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू कितना जी, आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो इसको भी डेरिवेटिव करें, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस वन माइनस सेकेंड फंक्शन ए माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव इज वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये मैंने डेरिवेटिव कर दिया इसको, इसलिए इसको रफ करना है, ठीक है इसे हटाएंगे, दिस इज द डेरिवेटिव, व्हाट इज लेफ्ट, मेरे पास आ गया नेगेटिव ए अपॉन एक्स स्क्वायर, मेरे पास आ गया नेगेटिव ए अपॉन एक्स स्क्वायर, दिखाई दे रही है नेगेटिव क्वांटिटी है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो एक्स के इंक्रीज होने से कम होती है जी, यानी अपोजिट जा रही है, डिक्रीजेस, ठीक है, तो डिमांड आपके पास इंक्रीज हो रही है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज हो रही है जी, ठीक है, तो कहता है डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द क्वांटिटी, करेक्ट, तो आपने बोला सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्स, करेक्ट, ठीक, आइए क्वेश्चन और देखते हैं जी, देखते हैं क्या है ये, इसमें मुझे डिमांड फॉर द कमोडिटी यानी डिमांड फंक्शन मुझे गिवन है जी, एक्स इज इक्वल्स टू 48 माइनस 3p स्क्वायर, दिस इज द डिमांड फंक्शन, पहले तो सीधा क्वेश्चन पूछा मेरे से, फाइंड द पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन p इज इक्वल्स टू 3, p का वैल्यू 3 है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरे से मांगा है जी, नेगेटिव p ओवर x एंड dx ओवर dp, अब यहां से dx ओवर dp निकाल सकता हूं जी मैं, dx ओवर dp मेरे पास आ जाएगा जीरो हो जाएगा तो माइनस 6p, करेक्ट, तो दिस इज नेगेटिव p ओवर x का वैल्यू 48 माइनस 3p स्क्वायर और इनटू dx ओवर dp इज नेगेटिव 6p, कितना आ गया, ये आ गया 6p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48 माइनस 3p स्क्वायर, आसान, अब इसका वैल्यू मुझे निकालना है एट p इज इक्वल्स टू 3, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट p इज इक्वल्स टू 3, तो p के प्लेस पर यहां 3 पुट कर दीजिए, ठीक है, तो इसका रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा 2.57, ये मेरे पास पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई फॉर द गिवन डिमांड फंक्शन एट प्राइस इज इक्वल्स टू 3।
3। अब आइए जी मेरे से कुछ और पार्ट भी पूछा है जी। कितने इफ द प्राइस ऑफ 3 यानी कि जो P इक्वल टू 3 है इज डिक्रीज बाय 4%, डिटरमाइन द रिलेटिव इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस को आपने 4% कम कर दिया, डिमांड में इंक्रीज फाइंड आउट करना है एंड हेंस एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी पूछा है जी। आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे इसको। अब देखिए जी, इसके लिए अब हमें क्या करना है, पहले देखिए जी हमारा पी इक्वल टू 3 गिवन है जी, ये मेरा ओल्ड प्राइस है जी, ओल्ड प्राइस मेरे पास है 3 या ₹3 जो भी हो सकता है। अब अगर मैं इस प्राइस की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो ओल्ड डिमांड भी मेरे पास आ जाएगी जी, ठीक है। तो 48 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, 48 माइनस 27 विच गिव्स मी 21। ओल्ड प्राइस ओल्ड डिमांड दोनों आ गई जी मेरे पास। अब प्राइस में डिक्रीज हुआ 4%, डिक्रीज इन प्राइस इज 4%, तो 3 आपके पास था जी, इसके 4% अगर डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब 4/100 × 3 इसका मतलब 0.12, ये डिक्रीज हो गया। तो 3 प्राइस पहले था, इतना डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज होने के बाद ये नया प्राइस कितना आया मेरे पास, उस नए प्राइस को लिख लेता हूं जी, न्यू प्राइस मेरे पास आया, 3 में से मुझे माइनस कर लेना है 0.12, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.88, दिस इज द न्यू प्राइस। अब इसी से न्यू डिमांड भी निकाल लीजिए जी, डिमांड फंक्शन में पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, तो 48 माइनस 3 2.88 स्क्वायर, जो कि मेरे पास आ जाएगा 23.1168, दिस इज द न्यू डिमांड। अब पहले डिमांड क्या था जी, पहले डिमांड आपके पास था 21, अब डिमांड डिक्रीज, आपके पास डिमांड बढ़ गया जी, 23 पॉइंट समथिंग हो गया जी, तो कितना चेंज इसमें आ गया ये मुझको देखना है जी। तो परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड मुझे निकाल लेना, परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड, तो कैसे निकालेंगे जी, नई डिमांड कितनी है जी, न्यू डिमांड, उसमें से माइनस कर लें ओल्ड डिमांड, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड और इनटू में 100, तो परसेंटेज निकल आएगा। न्यू डिमांड मेरे पास था 23.1168, ओल्ड डिमांड मेरे पास था 21/21 × 100, कैलकुलेट कर लीजिए जी, तो कैलकुलेट करने पर आपके पास ये आ जाएगा 10.08। तो आपने देखा था कि प्राइस में जो चेंज आपके पास आया था दैट वाज 4%, लेकिन डिमांड जो इंक्रीज हुई वो 10.08%, ठीक है। और साथ ही साथ मुझसे और भी कुछ पूछा है, वो क्या पूछा था जी उस क्वेश्चन में, फाइनली मेरे से पूछा था हेंस एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अप्रोक्सीमेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे चाहिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस लेवल पर मुझे करना है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपके पास 10.08 और परसेंटेज चेंज इन प्राइस मेरे पास था 4%, दैट वाज 4%। बस इसे मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो 2.52 दिस इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 4 एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज 10.08। इज इट फाइन? करेक्ट, इतना ही छोड़ेंगे जी यहां पर। थैंक यू।